है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ध्रुव राठी को वीडियो एडिट कराने के लिए 6 एडिटर्स लगते हैं और इनका एडिटिंग पीसी में होता है, बट आप अपने फ़ोन से भी ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं। ध्रुव के मोस्टली वीडियो ऐसे 10 ट्रिक को फॉलो करते हैं और आज मैं यही 10 ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। ध्रुव का एक रॉ वीडियो हमने ले लिया है और इसी पे वीडियो एडिटिंग करेंगे। बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे है रिमूविंग बैकग्राउंड। हमें सबसे पहले VN ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हमें यहाँ प्लस का आइकॉन में क्लिक करना है, उसके बाद हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड आ जाता है। ध्रुव का वीडियो आप लोग देखते हैं कि जिस टॉपिक पे वो बात करते हैं उसी का बैकग्राउंड लेते हैं। तो अब मुझे सबसे पहले अपना ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पे ले लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब इसको फुल करके क्रोमा में क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ ये मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। दूसरा नंबर में है साउंड इफेक्ट। इसके लिए वीडियो का डुप्लिकेट कर लेता हूँ और नीचे लेयर में क्लिक करके इसको थोड़ा इसका साइड में कर लेते हैं। और तो इसे करने के बाद इसमें फिल्टर में आते हैं, अब एक्सपोज और ब्राइटनेस को माइनस कर देते हैं। ये कर लेने के बाद अब यहाँ पे ये जो शेडो है इसको ब्लर करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे ब्लर में क्लिक करना होगा, ब्लिंग में क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारा अपने हिसाब से अब यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लें। हमारा थर्ड स्टेप है बैकग्राउंड के वीडियो में इफेक्ट लगाना। ये इफेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको PIP वाले मोड में क्लिक करके बैकग्राउंड को यहाँ पे ले ले। सेट करने के बाद इस वीडियो में स्क्रीन और टाइमलाइन को सेट करना है। अब इस वीडियो को सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डार्क एंड चूज करना है। मेन बैकग्राउंड वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे फाइंड करना है माउस ड्रैग करके, यहाँ पे आके ब्लर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 20 साइज कर लेते हैं। ये कर लेने के बाद इसको पूरे के तरीके से सेट कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं नंबर 4 पे। तो इस पे हमारे बैकग्राउंड हेडिंग को करना है। तो इसके लिए हमें पिक्सल ऐप पर आके यहाँ पे PNG से सेव कर लेना है। चैनल बैनर को चूज करके यहाँ पे इसको ओके कर लेना है और इसको करने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे हम इसका फ्रॉन्ट चेंज करते हैं। इसका फ्रॉन्ट चेंज कर लेने के बाद इसको आप 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कर लेने के बाद अब हम इसको ओके करते हैं और इसका ओपेसिटी 70 कर लेते हैं। ये कर लेने के बाद आप यहाँ पे हम क्लिक ओके करते हैं और ओके करने के बाद ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर यहाँ पे VN में आते हैं, वो इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। सेट हो गया यहाँ पे पूरा मेरा। हम यहाँ इन एनिमेशन आउट एनिमेशन को यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये कर लेने के बाद यहाँ पे मेरा ओके कर देते हैं। एक बार वीडियो प्ले करके चेक कर लेते हैं। अब 5th नंबर पर है आर्टिकल हाइलाइटिंग। इसके लिए हमें कलम पर आने के बाद कुछ इस प्रकार के एक शेप ले लेते हैं। ये शेप ले लेने के बाद इसको से कलर कर देते हैं येलो, ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद साइज को चेंज करके जो भी हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल को यहाँ पे लिखते हैं। अब ये हम यहाँ पे अच्छा से इसको लिख लेते हैं। ये लिख लेने के बाद हम यहाँ पे इसको आर्टिकल और हेडिंग यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हेडिंग है उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद दोनों टेक्स्ट का कलर को हम ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको फिर ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर VN में आते हैं और VN में आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो को लेते हैं और ये फ़ोटो मैं टेलीग्राम में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब हम यहाँ पे एक फ़ोटो ऐप पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लेने के बाद यहाँ पे इसको सेट करता हूँ और इसका फिल्टर यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा इसको R5 में कर लेना है। और कर लेने के बाद यहाँ पे मैं वो पेपर को फिर से सेट करता हूँ। इसका यहाँ पे ब्लेंडिंग में
लेने के बाद यहाँ पे फोटो में यहाँ पे एनिमेशन लगाना है, तो ये मैं सेकंड में दो बार इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे लग गया। सही कर लेते हैं, पिक्सल को हाईलाइट करने के लिए हमने जो एक येलो कलर का शेप बनाया था उसमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम इसको अच्छा तरीके से वहाँ पे सेव कर लें, और कर लेने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे कर देना है हम लोग को। तो ये हम यहाँ पे कर दिए इसका। इस शेप में एनिमेशन ऐड कर लेंगे। ये शेप ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेट करके इस पर नीचे में क्लिक कर लेता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन में आते हैं और यहाँ पे इसको दो बार क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप ओके कर देते हैं। ओके कर लेने के बाद अब यहाँ हम इसको थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, ये अब देख लेते हैं यहाँ तक कैसा बना है। लोकेशन मार्किंग, ये करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, गूगल अर्थ। इस पर आप ओपन इसको करें, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको सर्च करें, और सर्च में यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे आप लिखें ये आप कर लें, और यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लें स्क्रीन रिकॉर्ड। और ये कर लेने के बाद ये इसी को यहाँ पे हम सेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप कर लेने के बाद इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये आ गया है। जो कि बीच अब लाइट ट्रांजिशन लगा लेना है, तो इसके लिए बीच में यहाँ पे आप इस पर प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक कर लेने के बाद सेलेक्ट करना है। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर लें। मैप एनिमेशन, इसके लिए हमें प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड करने के लिए हमें ट्रेवल बोस्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एक डिस्टिनेशन करना है, तो स्टार्ट पॉइंट में हम यहाँ पे ईस्ट लंदन दे देते हैं, डेस्टिनेशन में अपना इंडिया दे देते हैं। और ये दे देने के बाद हम यहाँ पे एरोप्लेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पे इसको के बाद यहाँ इसको प्ले पे क्लिक कर लेता हूँ, तो हमें कुछ इस प्रकार के एनिमेशन दिखेगा। इसको चेंज कर लेते हैं 16:9, वीडियो में फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा सेव हो गया है। अब यहाँ पे फिर VN में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि वाटर मार्क ना दिखे, वीडियो अच्छा लगे। अब ये हमारा यहाँ पे वीडियो रेडी हो जाएगा। कंट्री हाइलाइटिंग, इसके लिए हमें प्ले स्टोर में आना होगा और यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ट्रू वर्ल्ड मैप्स। ये ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप जिस भी कंट्री को से क्लिक करेंगे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे देखिए आप जिस पे क्लिक इंडिया पे क्लिक किया हूँ तो ये हाईलाइट हो गया है। पहले अगर आप मेरे वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो कमेंट कर लें और मुझे ढेर सारा प्यार दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक करना ना भूलें। अब एक लाइक दे दें, और मैं नंबर 10 पर आता हूँ। डेट हेडिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले वो शेप आपको यहाँ पे ले लेना है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे सेट कर लेना है। ये कर लेने के बाद इसको एक्सपोज और ब्राइटनेस को एकदम ब्लैक 0 कर दें माइनस, ताकि ये हमारा ब्लैक हो जाएगा, और इस पर एक एनिमेशन दे दें। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा डेट है वो डेट को हम यहाँ पे दे देते हैं 12th March 2023। ये कर लेने के बाद यहाँ पे अब हम इसको एनिमेशन दे दें। ये एनिमेशन यहाँ पे हमारा हो गया है, वीडियो रेडी हो गया है। तो फाइनल देख लेते हैं कि ये हमारा वीडियो कैसा बना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अगर अभी तक मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू, धन्यवाद।